हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और आप सामने देख रहे हैं नैनी के बाल, देखो कितने बड़े बड़े बाल हैं। और इसने पिछले 5-6 दिन से रट लगा रखी कि मेरे बाल कटवाओ, मेरे बाल कटवाओ। तो फिर शर्मा जी ने कहा ठीक है, संडे को जाके इसके बाल कटवा के लाना। और मैं इसके बाल कटवाने आई हूँ आज पार्लर में। काफ़ी लंबे हो गए थे, काफ़ी बड़े बाल थे। और क्या करूँ, बस ये है कि इसने इतना वो परेशान कर लिया कि मेरे बाल कटवाओ, बस कटवाने ही हैं। अब ऐसे करने लगी कि पिछले 1 हफ्ते से इसने टिकने ही नहीं दिया। फिर मैंने सोचा चलो अब बाल कटवाए देते हैं इसके। और आज इतने बड़े बड़े पाले पोसे, मतलब कि मैंने इतनी मेहनत की थी इन बालों में, क्या क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। जब कटवा रही थी ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, हकीकत में मेरे आंखों में आंसू आ गए थे बाल कटवाते टाइम, कि मैंने इतनी मेहनत की थी। मन दुखी हो गया था बाल कटवाते टाइम। बस ये है कि बच्चे नहीं मानते तो कटवाना पड़ता है। अब कितने लंबे लंबे बाल है देखो, और कटवा कर कितने किए हैं वो आप आगे के वीडियोज में देखेंगे। एकदम छोटे बाल करवा दिए मैंने इसके, क्योंकि बस वही है, एक तो ये कि ठंड आएगी आगे, ठंड में फिर ये और ज़्यादा परेशान करेगी। अब सुबह सुबह जैसे तैयार करती हूँ ना, जब इसका इतना रहता है कि मम्मी मैं अपने आप बाल बना लेती अगर कटवा देते, तो रोज़ करती थी। तो बस ये है कि परेशान तो हुआ, मन तो दुखी हुआ, लेकिन इतने लंबे लंबे बालों पर कैंची चलवानी पड़ी। और मेरी किस्मत देखो, मैंने पिछले 2 महीने के अंदर 3 लोगों के इतने बड़े बड़े बाल कटवा दिए कि क्या बताऊँ आप लोगों को। सामने वाले का इंटरेस्ट होता है और मेरे को साथ जाना पड़ता है। और तीनों दफ़ा आरती के कटवाए थे, वो तो चलो मजबूरी थी, आरती से संभलते नहीं थे। अब भाभी के कटवाए, भाभी को अच्छे नहीं लग रहे थे इतने लंबे, तो भाभी के कटवाए, अब इसके कटवाए, कितने लंबे बाल है ना देखो। तो चलिए फिर वीडियो में आगे कंटिन्यू मिलते हैं। और इसके कटिंग हुई है, उसका जो लुक है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर जरूर करूँगी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और सुबह के बच्चे हैं 7:15, बच्चों को अभी स्कूल भेजा है। मौसम बहुत ख़राब है, मतलब बारिश वाला है। कल नाइट में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, कल शाम को शुरू हुई थी और बहुत देर तक हो रही थी, मतलब रात के 8, 8:30, 9 बज गए थे, शाम को 5 बजे के करीब शुरू हुई थी, बहुत बारिश हुई है। तो अभी बस बच्चों को भेजा है, भेज करके मैंने सोचा चलो व्लॉग शुरू करते हैं। कल तो कोई व्लॉग शूट नहीं किया, कभी मेरा व्लॉग भी नहीं गया, पहले का एक वीडियो था स्पॉन्सर वीडियो, वो गया था बस। और ये है अभी क्या है मैं बताऊंगी आपको, पहले दिखा देती हूँ मौसम। ये देखो कितना ख़तरनाक वाला मौसम हो रहा है। कल बारिश का पानी अपने आप लग गया, पेड़ पौधों में अपने आप पानी लग गया, पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखो सारे प्लांट्स में अपने आप पानी लगा है कल। ये तोरई की बेल भी काफ़ी बढ़ गई, इसको बांधना है, बांधने का टाइम ही नहीं मिल रहा। और मेथी उग गई, मेथी दिखाऊं, कल अपनी ये भर गई क्योंकि इसमें पानी गया है खूब। ये देखो मेथी लग गई सारी, ये मैंने उगा दी थी पहले ही। धनिया कब उगेगा कोई आइडिया नहीं। मेथी के साथ साथ सोयाबीन भी उग गई, कुछ बाहर निकल गई कल बारिश की वजह से। और जीरे का क्या ढंग है, जीरा और देख के आते हैं उगाएगी नहीं, इसमें अभी नहीं उगा, इकट्ठा हो गया ये, कल बारिश ज्यादा हुई है ना। उठते ही मैं पहले बच्चों के स्कूल जाते ही इसको ही चेक करती हूँ कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। जीरे के अलावा एक और बोया था मैंने, क्या बोया था, हाँ धनिया, धनिया मेथी उसमें, इसमें सोयाबीन, उधर जीरा। घिया की बेल भी अब तो बड़ी है, एक फ्लावर भी आया इसके, लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी पिछले 5-6 दिन में बड़ी है ये, पहले तो काफ़ी दिन से छोटी सी थी, अभी ऊपर आई है बड़ी मुश्किल से। तो जी अब कर लेते हैं काम, नाइट का भी बहुत पेंडिंग में है, अभी का भी बहुत पेंडिंग में है, तो सारा काम खींच के लेके चलते हैं जल्दी 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 जल्दी, देखते हैं क्या होगा। और ये ना पेन, कल दवाई लेके आई थी मैं, टेस्ट भी करवाए थे, अभी पता नहीं कितने दिन रहेगा। स्वेलिंग भी लग रही है मेरे को, मेरे मुंह पे स्वेलिंग है क्या, आप लोग भी बताना, स्वेलिंग मेरे को खुद को महसूस हो रही है, आप लोग बताना हो रहे क्या, इधर से भी इधर से भी। यहाँ है ये पेन यहाँ पे पीछे, और आरती को भी यहीं की वेन जो है ना वो फटी थी, डर लग रहा है क्या दिक्कत है क्या नहीं है पता ही नहीं यार। चलो करते हैं काम। और ये देखो सब कुछ फैला पड़ा है, मतलब घर में लेडीज़ बीमार हो जाए तो घर समेटने वाला कोई नहीं रहता,
ये परात ना मेरे से झुकना, झुकती हूँ जब ज़्यादा दर्द होता है सिर में तो झुकना बंद कर रखा है, तो ये परात 2 दिन से मिट्टी की भरी पड़ी है, इसको बाहर भी नहीं डाला है। और अंदर का हाल कुछ ऐसा है, इस चारपाई के साथ में रात को डाली थी ये सोने के लिए, तो इधर इसमें मिट्टी है बहुत जारी, वो सारी इधर जड़ गई। अभी तक रूम को अरेंज भी नहीं किया है, अब करूँगी, नहीं तो मेरा ज़्यादातर काम हो चुका होता है रूम वगैरह अरेंज करने का, बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम तक। और ये देखिए किचन कुछ ऐसी है, दूध गर्म हो गया था, बच्चों को पिलाया था तो ऐसे ही रखा है, अब इसको सबको समेटती हूँ और सब कुछ अंदर का करके, और फिर मैंने सोचा चलो बर्तन साफ़ कर लेते हैं, तो सब अंदर का करके मैं बर्तन बाहर लेकर आ चुकी हूँ जो इकट्ठे किए हैं वो, तो अभी मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और रात के बर्तन भी हैं इनमें, रात को भी साफ़ नहीं हुए थे, जैसे बस यूँ होता है जब तबीयत ख़राब होती है तो बनाना बड़ी मुश्किल से होता है, रात तक तो ऐसा हो जाता है हालात कि क्या बताऊँ आपको। सुबह सुबह तो थोड़ा सा फिर भी एनर्जी रहती है, मन रहता है कि ठीक है सुबह सुबह अब तो कर लेंगे, लेकिन शाम के टाइम पे धीरे 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 एनर्जी एकदम ख़त्म हो जाती है, फिर काम करने का मूड नहीं होता। तो वही ऐसा ही कुछ मेरे साथ था, मैंने सोचा चलो सुबह करेंगे आराम से, सुबह सुबह बर्तन साफ़ करने लग रही हूँ। मुझे ये आइडिया नहीं है, मतलब मैं बोल रही हूँ, वॉइस दे रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ी देर बाद में सोचती हूँ ना कि क्या बोल रहा, तो मुझे खुद खुद को नहीं पता, माइंड एकदम डिस्टर्ब से चल रहा है, एकदम ही डिस्टर्ब है, क्या बताऊँ बस आपको। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में, बर्तन वगैरह साफ़ करके अब पोछा लगाना है। उस पोछा लगाने से पहले ना ये सारा सामान जो कल किराने का सामान आया था ना उसको अरेंज किया है, ये सारा अरेंज हो गया ना, अब टेंशन नहीं है। और अब मैं पोछा लगाने के बाद में नहा धोकर आपसे मिल रही हूँ, कपड़े सारे मैंने धुल दिए थे और आज मैंने पहले पहना है ये न्यू वाला सूट, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसा सिला है बताना। कुर्ते में तो मेरे को अभी भी मिस्टेक लग रही है, मुझे नहीं लग रहा कुर्ता ज़्यादा सही सिला है, वैसे आप लोग बताना, आप लोग बताओगे ना उस हिसाब से समझ में आएगा। सलवार जो है उसका एक पैंचा थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, बस ये मिस्टेक है, बाकी आप देख लेना, आप लोगों को मैं शो कर रही हूँ कि कैसा सिला है, आप देख के बता देना मेरे को कि अगर सही सिला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सिला है तो मैं आगे के कुर्ते के लिए सोचूं। तो ऐसा कुछ लुक है इसका, और ये पीछे से सलवार है, एक जैसे पैंचा जो है ना वो टेढ़ा जा रहा है इसका, तो आप देख रहे होंगे आपको पता चल रहा होगा, एक टेढ़ा जा रहा है एक तो सीधा जाए, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, जो टेढ़ा जा रहा है ना वो समझ नहीं आ रहा है क्यों जा रहा है, वैसे मैंने बांध भी सही तरीके से रखा है। लो जी हम मिल रहे हैं सुबह के 9:30 बजे और नाना धोना हो गया, और आज मैंने नया वाला सूट पहना है, ये वाला, ये सिलकर आ गया था 2 दिन पहले, कोशिश थी तीज पर पहनने की, लेकिन तीज पर तो नहीं पहना, तीज पर तबीयत साथ नहीं दे रही, मन भी नहीं था कुछ भी करने का तो नहीं पहना, फिर मैंने सोचा चलो आज पहनते हैं, कैसा लग रहा है आप लोग बताना। वैसे अभी इसमें भी सिलाई में कमी रह गई एक, तो ये देखो ठीक है अच्छे से नहीं सिला, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरी मम्मी बहुत अच्छे सिलती है, वही बात है जिसको मेरे को मेरी मम्मी के पसंद है तो बाकी किसी के नहीं आते, वैसे सही है। और मैंने कल थ्रेडिंग भी बनवाई, कल नैनी के बाल कट करवाए ना तभी मैंने थ्रेडिंग करवा ली, अब की बार सही बनी है ना, हर बार मेरी थ्रेडिंग ख़राब हो जाती है यहाँ पर, अब की बार ठीक है, पहले जैसे बनती थी ना वैसे ही सेफ आई है, ठीक है। तो तबीयत तो ख़राब है, दवाई ले रखी है, अब थोड़ा सा आराम है, दवाई लेती हूँ तब तक ठीक रहता है, और फिर उसके बाद में फिर वही हाल हो जाता है। और आप लोगों के कमेंट्स आए थे बहुत सारे कि दीदी तकिया मत लगाया करो, तो देखो तकिया मेरे को 4 साल पहले छोड़ दिया था मैंने, पसीने आ रहे हैं अभी भी, देखो मैंने पिछले 4 साल से तकिया नहीं लगाया, कभी भी मैं तकिया नहीं लगाती। और जो पुराने व्यूअर है ना जो गांव से देखते हैं उनको पता होगा, गांव में हमने प्लाई की चारपाई बनवा रखी थी, हम लोग प्लाई की चारपाई पे ही सोते थे मैं भी और शर्मा जी भी, क्योंकि ये जो पेन रहता है ना इसके कारण से, फिर हमारा काम कुछ ऐसा है कि फ़ोन में लगे रहना, गर्दन ऐसे रहती है, तो रात को कम से कम 10 घंटे 8 घंटे जब तक लेटे रहे ना तब एकदम स्ट्रेट पोजिशन में गर्दन रहे, इसलिए हमेशा बिना तकिए के और वैसे प्लाई वाली खाट पे सोते थे हम, यहाँ आने के बाद में ज़मीन में सोती हूँ मैं, तकिए का तो कोई इशू नहीं है, मैं कभी तकिया नहीं लगाती, ठीक है। और रही बात एक्सरसाइज़ की, तो मैं एक्सरसाइज रेगुलर कर रही हूँ, जब से मेरे दर्द आया है ना, तो शुरू में दर्द ज़्यादा था तब तो हो नहीं पाती थी उतने अच्छे से, फिर बीच में मैंने रेगुलर किए, फिर अचानक से फिर से आ गया, अब टैबलेट ले रख के आराम रहता है, मैं फिर एक्सरसाइज करती हूँ, वैसे दर्द में भी करती हूँ नॉर्मल जो होती है वो, तो लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाता ये गर्दन है ना, ज़्यादा नहीं हो पाती, तो एक्सरसाइज भी मैं कर रही हूँ। और ये आप लोग शायद समझे नहीं, यहाँ पे है लग, गर्दन भी नहीं कह सकते इसको, गर्दन तो नीचे रह जाती है ये,
ये यहाँ है सिर में पीछे की साइड, ठीक है। तो कल गए थे हम लोग हॉस्पिटल, टेस्ट वगैरह हुए थे, अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या दिक्कत है, लेकिन बस ये एक तो वेंस में सूजन, मेरा जो शक जा रहा है ना जो सिम्टम्स हैं उनके अकॉर्डिंग वेंस में एक तो सूजन डॉक्टर बता रहे हैं, और दूसरा मेरे को माइग्रेन का भी लगता है कि ये जो है ना, मैंने इसका देखा था, बाकी पता नहीं, मैंने गूगल करके देखा था कि ये जेनेटिक होता है, मतलब अगर हमारी फैमिली में किसी को होता है ना, माँ बाप में किसी को होता है तो होता है जेनेटिक, तो क्या पता जेनेटिक मेरे साथ हुआ हो, मेरी सिस्टर के हुआ है वही अटैक, उसके पता नहीं जेनेटिक, जैसे फादर मदर की तो किसी का था नहीं यार, दादा का भी नहीं पता, माँ का भी नहीं पता, दादी माँ का, अब उनके तो था नहीं, अब आरती के आया ना अटैक ब्रेन हेमरेज का, इसलिए मेरे को लगता है कि माइग्रेन के दर्द के कारण ब्रेन हेमरेज का अटैक भी आता है ऐसा कहते हैं, तो क्या पता उसके, क्या समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे दर्द रहता है। अब जो भी है, अब देखते हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कब रिलीफ मिलती है, बस ये है कि टेंशन रहती है, टेंशन। और फिर दूसरा इसमें कहते हैं, मेरा एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को, किसी का खून पतला होता है, किसी का गाढ़ा होता है, किसी का सही होता है, तो मेरा खून जो है ना वो भी गाढ़ा है, ब्लड मेरा गाढ़ा है, ठीक है, तो उसके कारण ना क्लोट्स बन जाते हैं ब्लड में कई बार, जिससे डॉक्टर ने पहले भी जब नैनी प्रेग्नेंट थी ना उस टाइम पे भी कहा था मेरे को, मेरे क्लोट्स बनते हैं, कैनूला जैसे लगता है ना, तो कैनूला लगा के और जैसे 10 मिनट के लिए भी बीच में अगर सिरिंज हटा ली, या फिर यूँ रहता है कि 10 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए, थोड़ी देर के लिए सिरिंज हटा ली तो दोबारा सिरिंज उसमें लगाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, इतना गाढ़ा खून है, जम जाता है, जबकि जम बहुत जल्दी जमता है, तो क्या कह सकती हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, बस मेरे को तो इतना पता है कि मेरे दर्द है, भगवान जल्दी से सही हो जाए, इसकी वजह से ना कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, घर का काम है, लटकता रहता है, और जब इंसान मेंटली डिस्टर्ब रहता है ना तो उससे ना काम करने मन नहीं लगता, सोया भी नहीं जाता, प्रॉपर नींद नहीं आती ना, नींद जब सोते हैं तभी तो हमारा शरीर जैसे आगे काम करने के लिए तैयार होता है, लेकिन नींद अगर प्रॉपर नहीं आती तो फिर क्या होगा। मुझे लाइट से एलर्जी है, मतलब मुझे लाइट जलती हुई है ना उससे मेरे सिर में दर्द होता है, शोर से मेरे को सिर में दर्द होता है, शोर बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने देखा होगा मेरे घर में टीवी भी नहीं लगा रखा, क्यों नहीं लगा रखा, क्योंकि टीवी चलता है, इसकी आवाज़ होती है ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, रेगुलर अगर थोड़ी देर आवाज़ होती रहे ना मेरे चुभने लग जाता है, मैं हेडफोन लगा कर काम नहीं कर सकती, हेडफोन लगाने से मेरे एकदम से सिर में दर्द होगा बहुत भयंकर वाला, हेडफोन लगा कर ईयरफोन लगा कर मैं कभी गाने नहीं सुनती, पहले मैं बहुत सुनती थी लेकिन पिछले कई सालों से मेरे से ईयरफोन नहीं लगाया जाता, ईयरफोन से दर्द होता है मेरे को, क्या बताऊँ आप लोगों को, पहले तो मुझे लगता था नॉर्मली मेरे से जैसे फ़ोन में ज़्यादा रहती हूँ इसलिए होता होगा, लेकिन अब ये दर्द होने लगे ना तब से मेरे को पता नहीं क्या क्या उल्टे से देखे हलाते रहते हैं। तो चलो फिर, जैसा भी था आज का वीडियो मैंने बनाया, ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हों सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, बाय। और शर्मा जी ने मेरा ये खुलवा दिया, कह रहे इसको बांधने से ना इसकी आदत हो जाएगी, और मेरे अब यूँ हो रहा है कि मैं मसाज करके ना वो बांध लूँ फिर से, रिलीफ मिले थोड़ी देर, आप लोगों से बात करने के लिए थोड़ा सा एनर्जी दिखाई, ठीक है, बाय।